हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे। गाइस आज हम एक और नया टीवी आपके लिए लेकर आए, शाओमी का गूगल टीवी। दोस्तों इसका वीडियो मैं थोड़े दिन पहले भी लेकर आया था आपके लिए, उसका मैंने पूरा वीडियो डाला हुआ है उसमें। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लेना। ये टीवी मैंने दोबारा बाय किया, वो मैंने जो पहले बाय किया था 9500 रुपीज का बाय किया था। अब ये वाला मैंने दोबारा मंगाया तो ये मेरे को पड़ा है लगभग 10,500 का, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा लगे, पर चीज अच्छी है इसलिए मैंने दोबारा मंगाई। आप लोगों को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इसका पूरा सेटअप का वीडियो बनाकर बताओ, किस तरीके से सेटअप करना है, किस तरीके से इंस्टॉल करना है, किस तरीके से चलाना है। तो आज ये वीडियो उसी के ऊपर है। आज मैं वही चीज दिखाऊंगा, वही चीज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने ये टीवी मंगा लिया है तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। स्किप करोगे तो आपका आधी बात निकल जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज हम फिर से आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। आप लोगों को एक बात बता दूंगा, अगर टीवी आपके घर पे डिलीवर हो रहा है तो आप लोग अपने आप मत खोलना उसे। जब आपके इंस्टॉलेशन वाले भैया जी आ जाएंगे ना तभी खुलवाना उनसे ही, क्योंकि अगर आप अपने आप खोल लोगे तो इसमें लिखा होगा कि आपकी वारंटी आउट हो जाएगी। तो ये ऊपर हमारे को स्टैंड मिल जाता है जैसे कि आपको पता है दो, और ये मिल जाता है हमारे को रिमोट वगैरह इसका, और पूरी किट मिल जाती है, रिमोट है, सेल है और क्लिप वगैरह। तो इसको मैंने खोल लिया, जल्दी से इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ। तो गाइस मैंने इसको लगा लिया है सेटअप करके, पर पता नहीं क्यों ये ऊपर का जो इस पे स्क्रीन गार्ड लगा होता है ये पूरा उखड़ा हुआ सा आया है। ऐसे टीवी डिलीवर हुआ मेरे पास। चलो इसको निकाल ही देता हूँ मैं, क्योंकि बेकार लग रहा है, ऑन मिल जाएगा। तो मैंने खोल दिया इसको, अब फटाफट इसको ऑन करता हूँ। पहले रिमोट में सेल लगा लेता हूँ। सेल वगैरह आपको सब साथ ही मिलेगा, और आप लोगों को अगर डिटेल में देखना है ये सब तो मेरी पुरानी वीडियो है, वो आप देख सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। इसको मैं खाली सेटअप करना आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको सेटअप करना है ताकि इजी रहे। जो लोग इस टीवी को मंगा रहे हैं उन्होंने कुछ ने कमेंट करा था कि सर एक वीडियो बनाओ इसके सेटअप की। तो देखिए हमारा टीवी ऑन हो गया है, और अब कुछ भी कट नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल सही से आपको दिखाऊंगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आए। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आए तो पूरा वीडियो देखना। तो गाइस मैंने टीवी ऑन कर लिया है, अब स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं मैं, ठीक है गाइस। देखिए जब आप टीवी ऑन करेंगे पहले एमआई लिख के आएगा और फिर उसके बाद आएगा गूगल टीवी। तो इसको आपको ऑन होने देना है। और तो टीवी हमारा ऑन हो गया है, पहले एमआई लिख के आया था फिर गूगल टीवी लिख के आया था। अब हमें रिमोट के ये वाले दोनों बटन दबाने हैं, और ये कनेक्टिंग का ऑप्शन आ गया, तो कनेक्ट हो चुका है हमारा। अब ये इंग्लिश लिख के आ रहा है, आपको कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, मराठी हिंदी जो भी करनी है आप वो कर सकते हो, मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ। फिर आप कहाँ रहते हो, नेपाल या इंडिया, तो इंडिया में रहते हैं हम तो इंडिया कर लेते हैं। अब दिखा रहा है सेटअप बाय गूगल टीवी करना है आपको, सेटअप बाय बेसिक टीवी करना है। तो बेसिक में लाइव टीवी चलेगा आपका, और एचडीएमआई में कुछ चला होगा तो वो चल जाएगा। पर अब मैं सेटअप जो करने आ रहा हूँ मैं गूगल टीवी का करने आ रहा हूँ, उसमें मेरे को सारे एप्लीकेशन चले एंड्रॉइड वाले, तो हम सेटअप करते हैं बाय गूगल टीवी। तो इस पर ओके करना है आपको। अब ये जो आपका बार कोड आया है इसको आपके फोन में एक ऐप डाउनलोड करना है गूगल होम का। देखिए मैं दिखाता हूँ ना, ये एप्लीकेशन होगा, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका सारा सेटअप आपके फोन से होगा। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह का ऑप्शन इस तरह का आ जाएगा ये एप्लीकेशन, और इसमें अपनी आईडी वगैरह लॉगिन कर लेना, ये आपको बता रहा हूँ मैं। और यहाँ से क्रिएट होम कर देना है आपको, और कुछ भी होम का नेम वगैरह लिख देना है, जैसे मैं लिख देता हूँ टीवी, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। सारी चीज बाकी आपके सामने कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर ये एड्रेस वगैरह मांग रहा है ये डालना है, तो डाल दो, नहीं तो स्किप कर सकते हो आप विदाउट एड्रेस। लोकेशन मांग रहा था, लोकेशन दे देते हैं, एक्टिवेट। अब यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, आपके फोन आपके घर में एक वाईफाई होना जरूरी है। यहाँ पे आपको वाईफाई कोई ना कोई कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मेरा भी ये फोन का चालू है तो मैं यही कनेक्ट कर देता हूँ इसमें। तो ये मेरा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है, मैंने पासवर्ड डाल दिया था। तो अब आते हैं यहाँ पर टर्न ऑन ब्लूटूथ, ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हैं। सारी सेटिंग मतलब अपने आप ऑन होगी, आपको ऐप के हिसाब से चलते जाना है। पहले ऐप को सेटअप करना है, उसके बाद आप टीवी सेटअप कर पाओगे, और एक आईडी होनी जरूरी है गूगल की। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको बारकोड स्कैन करना है, तो कहना है हाँ स्कैन करना है। यहाँ से आप बारकोड स्कैन कर लेना, स्कैन मोड पे जाके, स्कैन कोड पे जाके परमिशन मांगेगा, कैमरे की परमिशन देनी है आपको, और ये स्कैन हो गया। देखिए राइट का ऑप्शन आ गया, अब ये सेटअप होएगा। टीवी में भी दिख रहा होगा आपको सेटअप हो रहा है, और इसमें भी सेटअप हो रहा है। ये सारा सेटअप आपके फोन से ही होगा। अब ये कनेक्टेड हो चुका है हमारे एप्लीकेशन से, टीवी में लिख के आ रहा है कनेक्टेड। फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन द गूगल होम ऐप, तो जो भी ऐप में हमारी इंस्ट्रक्शन आएंगे उसके हिसाब से टीवी सेटअप होगा। अभी देखते हैं क्या आता है आगे। कनेक्टेड आ गया टीवी में, फोन में भी लिख के। अब यहाँ पर मोर कर देते हैं इसको, तो अब यहाँ पर आ चुका है कनेक्ट वाईफाई बोल रहा है, टीवी से वाईफाई कनेक्ट करने को बोल रहा है, जो आपके फोन के द्वारा ही होगा। तो आपको यहाँ पर जो वाईफाई अवेलेबल है उस पर क्लिक करना है, और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड आपको डाल देना है, मैं भी पासवर्ड डाल देता हूँ। और देखिए मैंने पासवर्ड डाल दिया, टीवी में भी दिखा रहा है और यहाँ भी दिखा रहा है। देखिए तो अब दोनों में ही ये सेटअप चल रहा है, देखते हैं कितनी देर में होता है। थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीजों में, तो पेशेंस रखना, कभी आप सोचो क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम लगता है। अब जो अगला स्टेप है वो आपका ये आने वाला है, साइन इन गूगल अकाउंट, तो इसको साइन इन कर देना आपको। तो अब हमारा
गूगल अकाउंट जो है साइन इन हो गया है, आपको दिख रहा होगा सामने। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना जब आ जाए तो, और आपको परमिशन दे देनी है अपने डिवाइस को। तो हमने परमिशन दे दी है और कुछ इस तरह से दिख रहा है सेटअप, क्योंकि दो सारा फोन के द्वारा ही होता है, इसलिए मैं फोन से ही आपको दिखा रहा हूँ। टीवी में कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ आपको फोन में ही करना है। तो साइन इन टू गूगल टीवी डिवाइस विद योर गूगल अकाउंट, ये अभी सेटअप चल रहा है, तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया सॉफ्टवेयर अपडेट का, इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। आईडी लॉगिंग होगी इसमें हमारी, अब जो कुछ आपको चाहिए उसको आप कर सकते हो, फिर नो थैंक्स भी कर सकते हो, कोई ऐप नहीं चाहिए आपको तो गाइस यहाँ पे ये भी ऑप्शन आ रहा है वॉइस मैच का, वॉइस असिस्टेंट का, तो इसको आप कंटिन्यू करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर नोट नो भी हो सकता है। तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ और अब सेटअप होगा इसका। तो गाइस आपको गूगल असिस्टेंट को सेटअप कर लेना है, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखाई देगी और अब ये सेटअप होगा। तो इधर आपको लिख कर आ गया, इसको आप नोट नाउ करना चाहो तो नोट नाउ कर सकते हो, स्टार्ट सेविंग ऑडियो वगैरह कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैं नोट नाउ कर देता हूँ फटाफट सेटअप करने के लिए। और यहाँ पर भी आ गया टर्न ऑन पर्सनल रिजल्ट वगैरह, कुछ भी आपको देखना हो तो इसको टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हो, नहीं चाहिए तो नो थैंक्स। योर असिस्टेंट इज रेडी, ओके, नोट नाउ, नोट नाउ, टीवी हमारा अब ऑन हो सकता है। तो ये आपको इस तरीके से पूरा सेटअप करके चलना है। और देखिए लिख के आ गया सेटअप हेयर इज फिनिश्ड, कंप्लीट सेटअप ऑन टीवी स्क्रीन विद रिमोट। जब आपकी आईडी वगैरह सेटअप हो जाएगी इसमें, तो उसके बाद ये इस फाइल डाउनलोड होती है इसमें 800 MB की, मेरे पहले टीवी में भी डाउनलोड हुई थी और इसमें ये सेकंड मंगाया इसमें भी डाउनलोड हो रही है। तो इसके लिए ज्यादा परेशान मत होना, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे का सेटअप जैसा कुछ होता है वो दिखाता हूँ आपको, पहले इसको इंस्टॉल होने देते हैं। अब क्या हुआ कि मैं आपको बताता हूँ ये अपडेट कितनी देर में हुआ है। देखो अब टाइम हो रहा है 10:54 और मैंने इसको स्टार्ट किया था 7:30 पे, और जब से अभी तक ये हो ही रहा है 3.5 घंटे हो चुके हैं मेरे को इसको अपडेट करते करते, तो इतनी देर में ये अपडेट हो पा रहा है। आप लोगों का टीवी अगर इतनी देर में अपडेट हुआ है तो मेरे को कमेंट्स में बताना। देखो पहले वाला मैंने किया था उसमें भी 3 घंटे करीब लग गए थे, और ये वाला कर रहा हूं तो इसमें 3.5 घंटे लग चुके हैं, अभी और 10-5 मिनट लगेंगे। ये बार बार बीच में पता नहीं क्या चलने लगता है, इसकी वजह से और टाइम लगता है। आप लोगों के साथ भी अगर ये प्रॉब्लम हुई है तो बताना, रिव्यू में लिखना इसके, जाकर अमेजोन पे इसके रिव्यू में ये चीज लिखना कि इसके अपडेशन में 3-3, 4-4 घंटे लग रहे हैं। ये देखो अब हुआ है एंड्रॉइड सिस्टम अपडेट, और ये लिखकर आ गया हमारे को अब अपडेट हुआ है, तब इतना टाइम लग गया, अब रिस्टार्ट हो रही है। मतलब 3.5 घंटे से मैंने इसको लगा के रखा हुआ है, मैंने कहा भाई आप लोगों को दिखाना है दिखाना है दिखाना है, मगर मेरे तो समझ में नहीं आया 3.5 घंटे कैसे लग गए, पर इसको बहुत ज्यादा टाइम लग गया। आप लोगों को इतना टाइम लगा कमेंट्स में बताना गाइस। तो ये फिर से रिस्टार्ट हो गई है, आपने देख लिया कैसे हुआ है, पूरा सेटअप समझ गए होगे आप लोग। अब तो चल जाओ गुरु, अब हुआ जाके ये स्टार्ट, और अब क्या आएगा, ओहो कंटिन्यू बोल रहा है इसी आईडी साथ कंटिन्यू करना आपको, यस एक्सेप्ट, अब हुआ चालू ये। तो गाइस 3.5 घंटे के बाद हमें एक उम्मीद की किरण जागी है कि अब ये चालू हो जाएगा और हम इसमें कुछ देख पाएंगे और इसको चेक कर पाएंगे कि टीवी ठीक है या नहीं है। कमेंट्स में बताना जरूर कि आप लोगों के टीवी को भी इतना टाइम लगा है क्या। टर्म एंड कंडीशन आपको सारी ओके कर देनी है, उसके बाद आपका टीवी फिर से एक छोटा सा अपडेट लेगा और उसके बाद शायद कंप्लीट हो जाएगा ये। अब एक और अपडेटिंग लिख कर आ रहा है, कहीं ये भी उसी की तरह 3.5 घंटे का ना हो। ये तो लगता है जल्दी का है, जीरो से स्टार्ट हो चुका है। देखो ये वाला दोबारा से अपडेट चालू हो गया, 22:58 हो रहा है मेरी घड़ी में, अब देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है। तो गाइस ये हो गया, ये तो जल्दी हो गया, 6 मिनट के अंदर पूरा अपडेट हो गया। स्टार्ट एक्सप्लोर लिख कर आ गया है, चलिए एक्सप्लोरिंग करते हैं टीवी को, और हमारा टीवी ऑन हो गया है। देखो काफी लोगों ने मेरे से पूछा था इसकी ब्राइटनेस के बारे में, तो ब्राइटनेस ऐसे देखने में थोड़ी सी हल्की सी कम लगती है, पर अगर जो आप यहाँ से सेटिंग में जाके, ब्राइटनेस कम नहीं है इसकी, यहाँ से सेटिंग में जाके स्क्रीन सेवर हो गया, पिक्चर हो गया ना, पिक्चर में जाओगे आप तो पिक्चर में स्टैंडर्ड होता है, इसको वीवर्ड लगा देना तो थोड़ी सी आपकी ब्राइटनेस तेज हो जाएगी, उससे आपको कलर वगैरह भी अच्छे दिखाई देंगे और बढ़िया लगता है फिर टीवी। देखिए स्क्रीन सेवर चालू हो गया, इसको हटाते हैं, आ एक वीडियो चला के देखते हैं इसमें चल रही है कि नहीं चल रही है। इसके रिमोट में हमें वॉल्यूम बटन वगैरह सब मिलते हैं। तो गाइस सब कुछ ठीक है टीवी में, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये अपडेटिंग वाली प्रॉब्लम मेरे को बहुत ज्यादा लगी दोनों टीवी में। आई आप लोगों के साथ भी आई है तो प्लीज कमेंट्स में बताना, और जो लोग इसको खरीदना चाहते हैं वो इस चीज को ध्यान में रखना कि जब आप इसको अपडेट करोगे तो 3-4 घंटे आपके वेस्ट होंगे उसमें अपडेट करने में। मेरा नेट स्लो नहीं था, मेरी अच्छी खासी स्पीड आ रही थी 300-400 MB/s की, मगर फिर भी नहीं हो पाया ये, पता नहीं क्यों। तो यही है सेटअप, और टीवी वाकई में बढ़िया है, बहुत अच्छा है, अगर आपको लेना तो ले लो, और म्यूजिक के लिए बहुत ही बेस्ट है, साउंड एकदम बेस्ट आता है, अच्छी क्वालिटी का निकल के आता है साउंड। हाँ तो गाइज देखा आपने किस तरह सेटअप होता है इसका, ये सेटअप की वीडियो थी, रिव्यू वीडियो मैंने बना रखा है पहले, वो आप लोग देख सकते हो। देखो टीवी बढ़िया है, चलने में कोई लैग नहीं है, बढ़िया एकदम चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका जो अपडेट वाला प्रोसेस है ना वो बहुत बेकार है, तो वो सुधारना चाहिए कंपनी को कि भाई इतना टाइम किसी का बर्बाद करना सही नहीं है। हम 3-4 बंदे यहाँ पे बैठे हुए थे इसके चक्कर में, पर अब हुआ है पूरे 3.5-4 घंटे के बाद,
ठीक है गाइस। तो अगर आप लोगों को लेना तो इसको देख कर लेना, सोच समझ के लेना कि भाई ये लेना या नहीं लेना। बाकी पिक्चर क्वालिटी वगैरह मस्त है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब।